हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल. वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सीता गुप्ता. सो आज हम बना रहे हैं पानी पूरी. काफ़ी मन था कि हम डिनर में क्या बनाएं, एंड आज हमारा मन हुआ कि कुछ चटपटा सा कुछ खाया जाए, तो पानी पूरी वी थॉट ऑफ ग्रेट ऑप्शन. सो मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में और मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या तैयारियाँ की हैं और हम क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं. सो ये है हमारी चटपटी सी चटनी, उसे ग्राइंड कर दिया दीदी ने. अब हम उसे स्ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो काफ़ी फाइन मिक्सचर रेडी हो जाए. अच्छा, अब हमने इस मिक्सचर में क्या क्या डाला है, लेट मी टेल यू अगेन. इसमें हमने इमली ली है, उसको सोक कर दिया, और थोड़ा सा हमने उसमें खजूर भी डाला था ताकि थोड़ी सी मिठास आ जाए. उसे भी हमने गर्म पानी में सोक करके रखा, तो जब वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया, फिर हमने उसे ग्राइंड किया है थोड़ा सा उसमें गुड़ का पानी. अच्छा, गुड़ की जो पानी है ये नॉर्थ की है, हमने लाई थी. सो काफ़ी कड़क हो गई थी, तो थोड़ी मशक्क़त हुई हमें इसे डाइल्यूट करने में. एनीवेज, तो इसमें गुड़ का पानी है एंड खजूर है, इमली है. उसके अलावा हमने इसमें चाट मसाला पाउडर थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है, काली मिर्ची पाउडर डाला है और जीरा पाउडर. हमने इन सबको मिक्स करके ग्राइंड किया है. अब हम इसे स्ट्रेन कर रहे हैं. ओके, सो आवर तिखी मीठी चटपटी सी चटनी इज़ रेडी. एंड आई टेल यू गाइस, द स्मेल, द फ्रेगनेंस ऑफ दिस चटनी इज़ ऑसम. एक्चुअली इसके स्मेल से पूरे किचन में एक अच्छी सी चटपटी सी स्मेल, यू नो, टेम्पटिंग सी स्मेल है, जिससे से मन कर रहा है कि जल्दी जल्दी पानी पूरी रेडी हो जाए और हम खाए. ओके, सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ. अब हम रेडी कर रहे हैं पानी पूरी का पानी. उसके लिए हमें मसाला रेडी करना होगा. सो अब हमने इसमें धनिया पत्ता, पुदीने के पत्ते को अच्छे से वॉश करके ग्राइंडर में डाल दिया है. इस पर हमने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, जीरा पाउडर डाला है, मिर्ची डाली है और छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाला है. अब इन सबको हम एक साथ ग्राइंड करेंगे. ओके, फिर हम इस पर हमने थोड़ा सा नमक भी डाला है और थोड़ा सा इस पर हमने हींग भी मिक्स किया है. सो अब हम इसे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ और अब हम इसे करेंगे ग्राइंड. सो वी आर यूजिंग लेमन, क्योंकि हमारे पास अब इमली बची नहीं थी और उसे सोक करके फिर से रेडी करने का टाइम नहीं था. सो अब हमने पूरा एक लेमन अच्छे से स्क्वीज कर लिया है. ओके, सो ये पानी है जो हमने ठंडी चिल्ड वाटर रेडी की थी. अब हम ये चटनी जो है उसमें डाल के उसमें स्ट्रेन कर रहे हैं और पानी पूरी का पानी जो है यमी यमी सा टेम्पटिंग सा रेडी कर रहे हैं. ओके, सो दीदी इज़ कंसर्न अबाउट द मेस, जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हमारा मेस हो रखा है. तो मैंने बोला कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं रियल लाइफ में खाना ऐसे ही पकता है विथ लॉट ऑफ मेस. सो जो बाकी के यूट्यूब पे अगर आप देखते हैं बहुत क्लीनिनेस के साथ, तो उनके पास काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो काफ़ी प्रिपरेशन के साथ करते हैं. एंड हमने कोई प्रिपरेशन नहीं किया, बस हम बैठे बैठे अचानक से प्लान किया हम पानी पूरी खाना चाहते हैं. सो दैट्स द रीज़न ऐसा मेस है. सो स्क्वीज अस फॉर दैट. एनीवे, सो हम चटनी को स्ट्रेन कर रहे हैं, पानी पूरी का पानी बना रहे हैं कुछ इस तरह से. आप इसे स्ट्रेन करेंगे तो आपके मुँह में बाइट्स नहीं आएंगे. सो दिस इज़ एक्चुअली अ गुड आइडिया. अगेन, अगर मैं होती मैं तो डायरेक्टली डाल देती उसमें शायद. ओके, सो आई गेस हमारा पानी पूरी का पानी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है. हमने चटनी को अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है. इसमें अभी हमने सॉल्ट डाला और अब हम इसमें डाल रहे हैं आई गेस पानी पूरी मसाला. यस, पानी पूरी मसाला इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा. ओके, सो हमारी चटनी रेडी हो गई है और हमारी पानी पूरी की पानी भी रेडी हो गई है. और अब हम इसमें डालेंगे हमारे बूंदी को. और मेरे हस्बैंड ने इसको कर दिया छोटा सा ब्लेंडर, उन्होंने इसको सोक कर दिया पानी में. और जहाँ तक हमें लगता है कि इसको पानी में सोक ना करके हमें डायरेक्टली डालना चाहता, और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है. तो लेट्स सी हम इसके साथ क्या करेंगे, शायद वो डालें या फिर क्रिस्पी वाला बूंदी डालेंगे. अब हमारे साथ एक और ब्लेंडर हो गया. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमने अचानक से प्लान किया हमें पानी पूरी खानी है, तो रेडी तो कुछ था नहीं, प्रिपरेशन कुछ था नहीं. सो हम रगड़ा की जगह यूज़ कर रहे हैं आलू. तो बटाटा को हमने अच्छे से स्मैश कर दिया है, थोड़ा सा उसमें चाट मसाला डाला और अब दीदी उसे अच्छे से स्मैश कर रहे हैं. सो हमारी जो आलू है काफ़ी अच्छे से स्मैश हो गई है, चाट मसाला उसमें डाला है. और ये था हमारा रगड़ा, जो कि हमने बिल्कुल भी सोखने की हमने कोशिश की इससे कि हम इसे कुकर में बॉईल कर ले, बट हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली, काफ़ी कड़क है. सो हमने बोला टाइम तो इतना है नहीं, सो लेट्स जंप अप ऑन द सब्स्टिट्यूट. तो इसका सब्स्टिट्यूट हमें आलू ही लगा.
ओके नाउ देयर इज वन मोर चेंज इन अवर रगड़ा. सो रगड़ा काफ़ी ड्राई ड्राई लग रहा था. अब हमने जो हमारी स्मैश्ड पटैटो थी, जो आलू थी जिसे हमने बहुत अच्छे से क्या कहते हैं स्मैश कर लिया था, उसको हमने थोड़ा सा पानी डाला और चाट मसाला तो डाला ही था. थोड़ा सा इसमें हमने हल्दी डाली ताकि कलर आ जाए और एक रगड़ा का इफेक्ट हो जाए. सो अच्छा तो दिख रहा है. सो खा के बताएंगे आपको कैसा लग रहा है. एनीवेज, और अभी तो यहाँ पे हम प्याज काट रहे हैं ताकि हम जब गोलगप्पे खाएं, पानीपुरी खाएं, तो उसमें हम थोड़ा ऊपर से प्याज डालें क्रंची इफेक्ट के लिए. क्योंकि भाई जब भी हम जाते हैं पानीपुरी खाने, तब तो ज़रूर 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 मैं पानीपुरी वाले भैया को बोलती कि भैया प्लीज़ प्याज डालना. सो लेट्स सी, पानीपुरी लुक्स वेरी वेरी टेम्पटिंग एंड आई एम श्योर ये काफ़ी 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 टेस्टी बना है.